हेलो फ्रेंड, फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम सरोज और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपको शुद्ध और मिलावटी सरसों के तेल की पहचान करना बताऊंगी, जिसे आप अपने किचन में ही बहुत ही आसानी से सरसों के तेल की पहचान कर सकते हैं कि वह शुद्ध हैं या मिलावटी हैं। आपको मैं तीन तरीके बताऊंगी फ्रेंड, और जो कि बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद फ्रेंड, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो कटोरियाँ ली हैं, दोनों में अलग अलग शेप में कटोरियाँ ली हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फ्रेंड, यहाँ पर दोनों कटोरियों में मैं सेम क्वांटिटी में तेल डालूंगी। ये तेल हमने बाज़ार से लिया हुआ है, जो कि मिलावटी सरसों का तेल है, और ये थोड़ा ज़्यादा गहरे रंग का है और ये धुंधला दिख रहा है, तो ये मिलावटी सरसों का तेल है। अब दूसरी कटोरी में मैं शुद्ध सरसों का तेल लूँगी, जो कि घर से सरसों को चक्की पर ले जाकर सामने बैठ कर तेल निकलवाया गया है, बिल्कुल प्योर सरसों का तेल है। अब मैं वो तेल इस कटोरी में डालूँगी। फ्रेंड, सरसों के तेल को पहचानने की हमारी टिप नंबर वन है कि शुद्ध सरसों का तेल सुनहरे कलर का, बिल्कुल साफ कलर का होता है। ये जिस बर्तन में रखते हैं वो बर्तन का नीचे का तला बिल्कुल साफ दिखता है, जबकि मिलावटी सरसों का तेल थोड़ा धुंधला टाइप दिखता है, इसका रंग थोड़ा गहरा होता है, और ये जिस बर्तन में हम रखते हैं उसके नीचे का हिस्सा थोड़ा धुंधला दिखता है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से दोनों तेल में कितना ज़्यादा अंतर है। ये तेल बिल्कुल प्योर है, किसी भी तरह की इसमें मिलावट नहीं है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि ये पास से तेल कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कितना सुनहरा और साफ कलर इसका दिख रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। अब मैं आपको दूसरी कटोरी का तेल दिखाती हूँ, कितना धुंधला दिख रहा है। हमने इसको बीच में रखा है, पर इसमें वैसी चमक नहीं दिख रही जैसा शुद्ध सरसों के तेल, ये धुंधला दिख रहा है और इसका रंग थोड़ा गहरा लाल है। हमने कटोरी को दूर रख दिया है और दूर से भी आप इसके अंतर को समझ सकते हैं। फ्रेंड, इन तेल की कटोरियों को हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दिया है, तो आप देख सकते हैं दोनों में जगह बदल दी हमने, फिर भी अंतर आपको साफ दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक बार फिर से पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये शुद्ध सरसों का तेल है जो दिख रहा है और बिल्कुल साफ दिख रहा है। और फ्रेंड, ये तेल आप देखिए, ये इसमें हल्का सा लालपन है, इसका रंग ज़्यादा गहरा और थोड़ा धुंधला दिख रहा है। तो आप इस तरह से शुद्ध और मिलावटी तेल में अंतर समझ सकते हैं, ये मिलावटी तेल है। फ्रेंड, अब हम आपको टिप्स नंबर टू बताते हैं। इसके लिए हमने इस तेल को लगभग एक घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, दोनों कटोरियों को। फ्रेंड, ये जो सरसों का तेल है, जिसे हमने शुद्ध सरसों का तेल बताया है, उस पर आप देख सकते हैं हल्की सी धुंधली परत जमी हुई है, जैसे इसके अतिरिक्त इसमें और कोई चेंज नहीं आया है। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ठीक हो गई है, पर आप दूसरी कटोरी का तेल देख सकते हैं, उसमें सफ़ेदपन दिख रहा है, जैसे कि डालडा या रिफाइंड को आप फ्रिज में रखते हैं थोड़े समय के लिए, तो ऊपर से सफ़ेद जमने लगता है, तो वैसा आपको इसमें दिख रहा है। और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और पहले से कहीं ज़्यादा धुंधला भी दिखने लगा है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। फ्रेंड, सर्दियों में भी शुद्ध सरसों का तेल नहीं जमता है, वो थोड़ा थिक हो जाता है, पर जमता नहीं है, चाहे आप फ्रिज में रखें या सर्दियों में बाहर रखें। पर तेल में अगर रिफाइंड या वनस्पति मिला हुआ है तो वो जम जाता है। अगर आप इस तेल को काफ़ी समय के लिए रख देते तो ये और भी ज़्यादा जम जाता है। सरसों के तेल को पहचानने का तीसरा तरीका फ्रेंड हमारा ये है कि आप जब शुद्ध सरसों के तेल में कोई चीज़ फ्राई करते हैं या आप उसमें प्याज का तड़का लगाते हैं, तो आप चीज़ों को पकते हुए बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हैं। जो चीज़ जैसे पक रही है आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, पर मिलावटी सरसों के तेल में ऐसा नहीं होता। जब मिलावटी सरसों के तेल में आप कोई चीज़ फ्राई करेंगे या प्याज का तड़का देंगे, तो पूरी कढ़ाई झाग से भर जाती है और चीज़ों को आप पकते हुए ठीक से देख नहीं सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जो कि आप सरसों के तेल को पहचान सकते हैं। फ्रेंड, सरसों के तेल को खुशबू से भी पहचाना जा सकता है, लेकिन आजकल ऐसे केमिकल आते हैं जिसे किसी भी तरह के तेल में डाल देने पर वह मस्टर्ड ऑयल जैसी खुशबू देने लगता है। इसलिए फ्रेंड, आप सरसों के तेल को खुशबू देख कर नहीं बल्कि उसका रंग देख कर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आप समझ गए होंगे और अब आप शुद्ध सरसों के तेल को बहुत ही आसानी से पहचान सकेंगे। सो फ्रेंड, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके। और फ्रेंड,
हमारे चैनल को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आने वाली नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड हैप्पी। बाय बाय।